हाय, आज हम बनाने वाले हैं वेजिटेबल रोल, जिसके लिए हम यूज़ करेंगे चॉप्ड ऑनियंस, चॉप्ड टोमेटोज, चॉप्ड चिलीज एंड चॉप्ड गार्लिक। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल बी हीटिंग द ऑयल। ओके, हमने चॉप्ड ओरिएंडर लीव्स भी ले रखी हैं एंड चॉप्ड वेजिटेबल्स में हमने कैबेज एंड कैप्सिकम को लिया एंड एग्स। ओके, नाउ वे आफ्टर हीटिंग द ऑयल वी विल ऐड द ऑनियंस। ओके, लिटिल बिट ब्राउन होने के बाद हम इसमें थोड़ा सा चॉप्ड ऑनियन, ओके चॉप्ड ऑनियन इज ऑलरेडी एडेड, चॉप्ड टोमेटोज आर टू बी एडेड, देन चॉप्ड गार्लिक भी इसमें ऐड करेंगे। ओके, थोड़ी देर तक इसको हम फ्राई करते रहेंगे। इसमें हम थोड़ा सा अजीनोमोटो भी ऐड करेंगे, एक विट मतलब आध टीस्पूनफुल। ओके, ताकि इसका जो फ्लेवर हो वो बहुत ही अच्छा हो, राइट। इसके बाद हम थोड़ा सा इसमें सॉल्ट एंड टर्मरिक पाउडर ऐड करेंगे, ठीक है। इसमें आप लाल मिर्च पाउडर भी ऐड कर सकते हो अगर आपको थोड़ा सा स्पाइसी चाहिए तो, अदरवाइज वी हैव चिली, चॉप्ड चिली। ओके, देखिए अब मैंने वेजिटेबल्स को ऐड कर दिया है। ओके, वेजिटेबल को बहुत ज़्यादा बॉयल मत कीजिएगा, थोड़ा सा इसका जो क्रंचीनेस है ना वो रहना ज़रूरी है, सो दैट आवर रोल विल बी वेरी नाइस टू ईट। ओके, कुछ इस तरीके का दिखेगा जब हम वेजिटेबल को हम तैयार कर लेंगे। ओके, नाउ इट इज़ लुकिंग वेरी नाइस। अच्छा, तब तक ना, इन द मीनवाइल आई हैव मेड दिस सॉस with mayonnaise and black pepper powder and sesame seed powder. थोड़ा सा मैंने इसमें garlic भी add किया है and थोड़ा सा salt. बहुत ही अच्छा लगता है जब हम इसको roll के साथ खाते हैं, बहुत ही tasty होता है। Our vegetable is ready. We have added coriander leaves also. सो दिस इज़ आवर सॉस। ओके, इसके बाद हम डो तैयार करेंगे फॉर द रोल, जिसके लिए हमने मैदे को लिया, बेकिंग पाउडर लिया। ओके, उसमें थोड़ा सा चीनी भी ऐड किया, सॉल्ट।